लगता है कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के दिन अच्छे नहीं चल रहे। पहले फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर विवादों में फंसे, फिर द कपिल शर्मा शो के बंद होने को लेकर तमाम तरह की बातें हुई और अब उनके विदेशी दौरे पर संकट के बादल घिरते नजर आ रहे हैं। अमेरिका में होने वाले उनके शोज को लेकर बुरी खबर सामने आ रही है। क्या है पूरा माजरा, हम बताएंगे आपको। इसके लिए बने रहें इस वीडियो के साथ। और हाँ, एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। दरअसल इन दिनों कपिल शर्मा देश से दूर कनाडा में अपनी पूरी टीम के साथ शोज कर रहे हैं। अब तक वह यहाँ कई जगहों पर परफॉर्म भी कर चुके हैं। इसके बाद कपिल के अमेरिका समेत कई और जगहों पर भी शोज होने वाले थे, लेकिन बताया जा रहा है कि आगे उनके विदेशी दौरे पर संकट के बादल घिर गए हैं। न्यूयॉर्क में होने वाले उनके शो को अब पोस्टपोन कर दिया गया है। बाकायदा इसकी जानकारी वहां के लोकल प्रमोटर सैम सिंह ने दी है। हालांकि शो के प्रमोटर से इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने साफ तौर पर तो कोई जवाब नहीं दिया, मगर इसके पीछे न्यूयॉर्क में केस दर्ज होना कारण बताया जा रहा है। बता दें कि साई यूएसए आईएनसी ने कपिल शर्मा पर उनके 2015 के उत्तरी अमेरिका टूर के दौरान किए गए कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर किया है। अमेरिका में शो कराने वाले जाने माने प्रमोटर अमित जेटली के अनुसार मामला 6 शो का है जिसके लिए कपिल शर्मा को 2015 में उत्तर अमेरिका में साइन और भुगतान किया गया। जेटली ने आरोप लगाया है कि अभिनेता ने उन 6 शहरों में से एक में परफॉर्म नहीं किया था, यानी कानूनी पचड़े में फंसने की वजह से विदेश में अब कपिल के शोज नहीं हो पाएंगे और उन्हें कनाडा से ही लौटना पड़ेगा। तो ऐसी खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहिए हमारे साथ।